बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं चोरी साहब को आज मुबारकबाद देने के लिए, क्योंकि इनकी जमात ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है इलेक्शंस के अंदर और खैर सगाली के लिए यहाँ आया था। जैसा कि चोरी साहब ने कहा है अभी कि आज बहुत से लोग जो इस्लामाबाद से और पिंडी से उनको मिलने के लिए आ रहे हैं, तारिक चीमा साहब का भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी आए हुए हैं, तो हमने आपस में मशावरत की है। और चोई साहब मेरे बड़े भाई भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं और मुश्किल वक्त के साथी हैं, इसलिए इन्होंने ये बात की थी मुझसे कि हमें चाहिए कि एक ग्रुप में रहें। तो मैंने चोई साहब को बताया कि मैं अपनी जमात के साथ और अपने दोस्तों के साथ मशावरत करके इंशाल्लाह तो बहुत जल्द जो है वो चोई साहब के साथ दोबारा मुलाकात करूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम आगे चल सकते हैं। दूसरी बात भी मैं कर दूँ कि जो मुल्क है इस वक्त बड़ी मुश्किल मराइल से गुज़र रहा है और इकॉनमी के हवाले से भी और वैसे भी अंदरूनी बैरूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि एक इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर सबको आगे चलना चाहिए और अपने से बालातर होकर पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचना चाहिए। तो अगर पाकिस्तान के मफाद के लिए सोचेंगे तो सारे अकोमोडेट भी हो जाएंगे और मसाइल भी जो है वो भी हल हो सकेंगे। देखें, हमारी कोई जाती लड़ाई तो नहीं है, हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ है जो हो सकता है रहे भी, लेकिन हम माजी के अंदर भी जो 2002 की असम्बली में थी उसमें भी हमारा चार लोगों का इत्तेहाद था जिसमें ताहिरुल कादरी साहब थे, मैं था, इमरान खान साहब थे और हमारे साथ ताहिरुल कादरी साहब भी थे, तो चार लोग थे, हम हामिद नाजर चट्टा साहब भी थे। तो हमने चारों ने अपनी अलग सीटें ली हुई थी, हम ना अपोजिशन के साथ थे ना हुकूमत के साथ थे। जहाँ हुकूमत को सपोर्ट करना होता था हुकूमत को सपोर्ट करते थे, जहाँ अपोजिशन को सपोर्ट करना था अपोजिशन को सपोर्ट करते थे। तो ऐसे किसी देखें इस वक्त झगड़े की बात नहीं है कि किसी के कौन किसका कहाँ बैठा हुआ है, बात इस वक्त ये है कि पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर काम करे। मेरे से बातचीत हुई है, रबता भी हुआ है, मुलाकात नहीं हुई, टेलीफोन पर बातचीत होती रहती है, लेकिन कोई ऐसी हतमी बात नहीं हुई कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिसे भी हमारी बात हो रही है ना, हर आदमी जो है वो पार्टी बेसिस पे ऊपर हमारे बात कर रहा है। कह रहे हैं जी जिससे भी बात हो रही है वो इंडिविजुअली नहीं पार्टी बेसिस के ऊपर हो रही है। चोई साहब, आपका हमेशा बड़ा मुफाहमत का किरदार रहा है और लोगों को इकट्ठा करना हमेशा आपका रहा है। कल भी जब यहाँ पे जरदारी साहब समेत बाकी कायदीन आए तो यहाँ बात हुई थी कि पीटीआई समेत सबको जो है वो साथ लेकर चलेंगे ताकि इतने बड़े चैलेंजेस को मीट किया जा सके। उसके लिए रोड मैप क्या है, करने क्या जा रहे हैं, प्रैक्टिकल स्टेप क्या है, वो तो जरा कौन के सामने रखें। प्रैक्टिकल स्टेप तो हम मिल के जो मुल्कों में जो हालात से गुजर रहे हैं उसकी आपको ज़्यादा पता है, हम भी उनको दुरुस्त करने के लिए हम अपनी तमाम जो हमारी रिलेशन भी हों या हमारा कोई रुकावट हो उन चीज़ों को भूल कर हम हर चीज़ को छोड़ कर हम साथ मिलाने के लिए कह रहे हैं जी, तरीके इंसाफ से कोई रब्ता किया? सर, तरीके इंसाफ से कोई बातचीत हो रही है आपकी, कोई रब्ता हुआ है? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।